जय माता दी बंधु, कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी अपने जीवन में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें, आपके सारे दुख दर्द दूर हों, आपके जीवन में बहारें और ढेर सारी खुशियां आएं। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि के दिसंबर माह के भविष्य फल के बारे में। बंधुओं, हम आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको प्रत्येक राशि अनुसार इस बात की विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है कि कौन सी राशि के लिए आर्थिक पक्ष आने वाले साल में कैसा रहने वाला है। तो बंधुओं, इस वीडियो को एकदम आखिरी तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल देशी भक्ति को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। और कमेंट बॉक्स में ही आपको हमारे एक और वीडियो की लिंक दिखाई दे रही होगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, इससे आपके जीवन में कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर आएगा। कर्क राशि फल 2021 के अनुसार कर्क राशि वाले जातकों के लिए वर्ष आर्थिक तौर पर बहुत ही अच्छा रहने वाला साबित होगा। हालांकि साल की शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर ज़रूर हो सकती है, इसलिए इस दौरान आप अपने खर्चों में थोड़ी कटौती करें और बेहतर यही होगा कि अपने धन को संचय करने की ओर काम करें। लेकिन मार्च से मई के दौरान स्थितियां काफ़ी बदल जाएंगी। इस समय आपको सरकारी क्षेत्र से आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान पैसों की अच्छी स्थिति रहने के कारण आप अपने पुराने उधार और बिल आदि का भुगतान आसानी से कर सकेंगे। साल 2021 में आपकी सेहत थोड़ी खराब हो सकती है, जिसके चलते आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी धन खर्च करना पड़ सकता है। उसके बाद अगस्त में समय अच्छा रहेगा और आपको किसी न किसी स्रोत से आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इस वर्ष आपको जीवन साथी को लेकर भी कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2021 में मार्च का महीना हर तरीके से आपके लिए बेहतरीन साबित होगा और अच्छा मुनाफा होने की भी उम्मीदें बनती नजर आ रही हैं। मार्च के बाद मई और फिर सितंबर का महीना भी सही रहेगा। इस दौरान आपके खर्चे थोड़े कम रहेंगे, जिसकी वजह से आर्थिक स्थितियां अनुकूल रहेंगी। कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक लिहाज से वर्ष 2021 काफ़ी अच्छा जाने की उम्मीदें हैं, क्योंकि ग्रहों की दिशा और दशा इस वर्ष कर्क राशि के जातकों के लिए काफ़ी अनुकूल स्थितियों में नज़र आ रही है। हालांकि साल के शुरुआती कुछ महीने राजकोषीय और मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिहाज से थोड़े धीमे साबित हो सकते हैं। राजसी गौरव का ग्रह माने जाने वाले सूर्य विलासिता के ग्रह शुक्र के साथ कर्क राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह सीधे तौर पर इस तरफ इशारा करता है कि कर्क राशि के जातकों के लिए मौद्रिक और राजकोषीय लाभ के लिहाज से ये साल के शुरुआती कुछ महीने संघर्षपूर्ण और थोड़े सुस्त रहने वाले साबित हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर समय वे आठवें घर के स्वामी शनि के साथ युति में होंगे, जिससे उनके लिए अवसरों का उचित उपयोग करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इस अवधि के दौरान कुछ मूल निवासियों को अपने जीवन साथी के परिवार या पैतृक संपत्ति से कुछ अचानक लाभ मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें 17 मार्च 2021 से मई महीने के अंत तक, तो यह समय आपके लिए काफ़ी शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आपको सरकार या किसी सरकारी संस्थाओं से लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके बाद जून के महीने में जब आपके दूसरे घर का स्वामी सूर्य मिथुन राशि, जो आपके व्यय का 12वें घर है, उससे गुजरेगा, तब
आपके वार्षिक आर्थिक राशिफल 2021 के अनुसार इस समय के दौरान आप विलासिता की वस्तुओं पर अनावश्यक खर्चा कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा यूं ही खर्च कर सकते हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि भविष्य के लिए धन संचित करने की शुरुआत कर दें और किसी भी वस्तु पर खर्च करने से पहले एक बार रुक कर यह जरूर सोचें कि वो वस्तु आपके लिए जरूरी भी है या आप बस शौक के लिए उसे खरीदने जा रहे हैं। अगस्त के महीने में बृहस्पति और सूर्य की युति आपकी आय और मौद्रिक स्थिति में कुछ अचानक वृद्धि प्रदान करने वाली साबित हो सकती है, जिसकी मदद से आप अपने कुछ पुराने कर्ज या लोन का भुगतान करने में भी आपको मदद मिलेगी। इस महीने के दौरान अपने और आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ संपत्ति में अपने पैसों का निवेश करने की सलाह आपको प्रदान की जा रही है। ऐसा करना आपके लिए शुभ साबित हो। साल के आखिरी कुछ महीनों में आपको आपके स्वास्थ्य पर खर्चा करना पड़ सकता है, हालांकि इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक पहलू के लिहाज से कर्क राशि के लिए वर्ष 2021 काफी अच्छा रहने के योग बन रहे हैं। खासकर मार्च और अगस्त के महीनों में आपको लाभ और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कई अवसर मिलने की पूरी संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। इसलिए इसके बारे में उचित रणनीति और योजना बनाकर इसका उपयोग करने का प्रयास करें, ताकि अगर भविष्य में आपको अचानक वित्तीय समस्याओं का सामना करें तो आप उनका सामना करने के लिए तैयार रहें। कर्क फाइनेंस राशि फल 2021 कर्क राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष आप निश्चित तौर पर धन लाभ कमाएंगे, परंतु आपके खर्चों में वृद्धि होगी और निवेश करते वक्त सलाहकार से सलाह अवश्य लें। आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलें। कर्क राशि की वर्ष कुंडली 2021 कन्या लग्न की बन रही है। चंद्रमा का लाभ स्थान में होना आपको धन लाभ के नित नए आयाम बनाने में मदद करेगा। कुल मिलाकर कर्क वित्त राशि फल 2021 आपके लिए संकेत दे रहा है कि वर्ष के मध्य में थोड़ा सचेत रहें, बाकी समय आप लाभकारी स्थिति में रहेंगे। बंधुओं, ये था वीडियो दिसंबर माह के लिए कर्क राशि वाले जातकों के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और ऑल जरूर से सिलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।